नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब मेरे उन सभी YouTube फैमिली वालों को जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं। सो गाइज, हर रोज़ सुबह की तरह आपका भाई फिर दोबारा आपके लिए एक और लेके आ चुका है SUV टाइप की शानदार सी गाड़ी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बुलेरो कार के बारे में, मॉडल नंबर 2014। सो गाइज, चलिए बात तो हम करेंगे ही, उससे पहले एक आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। आप मुझे अपना ओपिनियन देना, राय देना कि वो काम मैं करूँ या ना करूँ। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा हूँ कि मैं जो पुरानी गाड़ी होती हैं उनको तो मैं वीडियो बना करके आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ, उससे आपकी हेल्प हो या ना हो मुझे पता नहीं चल पाता। आप गाड़ी परचेस करते हैं नहीं करते मुझे उसका पता नहीं चल पाता। लेकिन गाइज, मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो नई गाड़ियाँ लॉन्च होती है, जैसे कि हाल ही में महिंद्रा XUV700 निकली है, सो मैं नए शोरूम में जाऊँ और उसकी डिटेल लेकर के वीडियो बना करके आपके सामने प्रेजेंट करूं। इसी तरह की सारी कंपनियां जितनी भी हैं, मुझसे हो सकता है मुमकिन कोशिश करूंगा कि सारी गाड़ियां जो न्यू अभी में लॉन्च हुई है हाल ही में 2021 में, उनकी वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाऊं और आपकी हेल्प करूं कि वो गाड़ी आपके लिए बेस्ट होने वाली है, बेस्ट प्राइस में होने वाली है या नहीं। सो गाइज, प्लीज़ बताना ज़रूर कि ये काम स्टार्ट करूँ या ना करूँ, क्योंकि अपनी यूट्यूब फैमिली से पूछे बिना तो भाई कुछ कर नहीं सकते ना। सो गाइज, बता दीजिएगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में जा करके। तो चलिए, आज हम बात करेंगे गाड़ी के बारे में जो है हमारे पास बुलेरो, और काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर और एक्सटीरियर कंडीशन के बारे में। सो गाइज, आज हम बात करेंगे महिंद्रा की बुलेरो कार के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करती थी और आज भी फेमस है। लेकिन जो इसकी मार्केट वैल्यू थी वो पहले काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जब से बुलेरो ने अपना न्यू मॉडल निकाला है SUV टाइप में, भाई उसने मट्टी पलीत कर दिया जितनी भी पुरानी गाड़ियाँ थी। हालांकि इस गाड़ी का प्राइस आपके लिए काफ़ी कम होने वाला है, शॉकिंग होने वाला है, लेकिन इसकी अब भी गांव देहात में काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है और आज भी काफ़ी प्रचलित गाड़ी एक तरह से ये मानी जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल गाड़ी है ये। सो गाइज़, अगर आप किसी भी क्षेत्र से रहने वाले हैं, कहीं से भी बिलोंग करते हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप कोई भी कार परचेस करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी कार हो भाई, किसी भी तरह की गाड़ी हो, हैचबैक हो, शेडान हो या SUV टाइप में हो, किसी भी तरह की गाड़ी हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, आप कौन सी गाड़ी परचेस करना चाहते हैं। मैं मुमकिन कोशिश करूंगा कि आप तक वो गाड़ी लेकर के आऊं, उसका रिव्यू लेकर के आऊं जो आपके बजट में है और जिसको आप परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं। सो गाइज, हम बात करेंगे अगर फ्रंट प्रोफाइल से, तो फ्रंट में देख सकते हैं महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। दोनों लाइट देखे पहले, एक चीज़ चेक कर लेनी है आपको पुरानी गाड़ी परचेस करने से पहले कि भाई इसमें जो लाइट्स हैं या फिर इसका ये एक्सीडेंटल गाड़ी है नहीं है, पेंट इसका हुआ हुआ है या फिर नहीं है, और भाई चारों तरफ से आपको चेक कर लेना है मिरर को लेकर के, डेंट पेंट सब कुछ चेक करके कोई गाड़ी परचेस करें, क्योंकि गाइज एक रुपया भी काफ़ी मेहनत से आता है और गाड़ी लाखों में होती है। तो आप समझ सकते हैं आपको कितनी ज़्यादा चेक करके गाड़ी लेना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें गाइज, ठीक है। तो आज मैं थोड़े से आपको तरीके बताऊँगा कि किस तरह से आप गाड़ी चेक कर सकते हैं और पुरानी गाड़ी लेते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम अगर बात करें फ्रंट से, तो फ्रंट में आपको चेक करना है बम्पर को छोड़ करके। बम्पर तो देखिए, हाल ही में मैं आपको बता दूं, जितने भी आप सेकंड हैंड गाड़ियां लेंगे उनका पेंट ही मिलेगा, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले आपको देख लेना बोनट पेंट है नहीं है। हम अगर इसका चेक करें तो बोनट गाइस इसका पेंट नहीं है, उसका भी प्रूफ मैं आपको दे दूंगा। बम्पर इसका पेंट हो सकता है, देख सकते हैं यहाँ, है ना, और बोनट इसका पेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम खोल लेंगे सामने से इसको और उसके बाद हम चेक करेंगे। काफ़ी ज़्यादा भारी होती है ये गाड़ी। सो गाइस, देख लीजिए एक बार, इंजन देखिए इसका और उसके बाद बैटरी देख लीजिए। पहले तो अंदर से आपको चेक करना है कि दोनों जो साइड के पिलर होते हैं वो कहीं से लगे हुए तो नहीं है, उसके बाद ही आपको पता चलेगा एक्सीडेंटल है नहीं। देखिए अंदर आपको कहीं से भी दिख रहा है कि ये लगे हुए हैं, आप खुद बताइए। अगर आप पुरानी गाड़ी परचेस कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि पहली बार परचेस करेंगे, आपको इतना तो पता ही होगा कि कौन सी गाड़ी परचेस करने योग्य है कौन सी नहीं है, ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पे भी आपको नहीं मिलने वाला, और उसके बाद में नीचे देख सकते हैं टायर वाले जो पिलर होते हैं वो भी मुड़े हुए नहीं है, जेन्युइन है बिल्कुल एकदम। तो गाइज़, ये गाड़ी फ्रंट से तो लगी हुई नहीं है, फ्रंट से एक्सीडेंटल नहीं है, और जैसे मैंने बोला था कि इसका जो बोनट है वो पेंट नहीं है, आप देख सकते हैं। अंदर से देखिए और फिर बाहर से देखिए, सेम आपको मिल जाता है दोनों तरफ से, है ना। सो गाइज, देख लिया, अब हम चेक करना है साइड प्रोफाइल से। साइड से देखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप टायर देखिए, टायर इसके
किस कंडीशन में है, टायर प्यारे होने चाहिए, कंडीशन लगभग 80% से अबो लें जब भी पुरानी गाड़ी लें, वरना आपको डलवाना पड़ेगा, फिर फ़ायदा ही क्या है। ठीक है, और एलॉय मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एलॉय वगैरह यार ये शो आप बम्प एंड शो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये सही चीज़ नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, इधर से देख लीजिए, ये इसकी जो कोर होती है अंदर से अगर मुड़ी हुई है, एक बार हाथ से देख लिया, हाथ गंदा ज़रूर होगा, तो जो इसकी कोर है वो अगर आपको मुड़ी हुई मिल रही है कहीं से भी तो साइड से ठुकी है, यहाँ से तो साइड से नहीं है कुछ भी। तो ये गाइस साइड से और फ्रंट से नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी है। हालांकि फ्यूल टाइप डीजल है, मॉडल 2014 है, और देखिए पीछे भी एक एक्स्ट्रा टायर मिल रहा है, हालांकि यूज्ड है लेकिन फिर भी मिल रहा है, काफ़ी बड़ी बात है। और बुलेरो की बैजिंग मिल जाती है पीछे, महिंद्रा का आपको लोगो मिल जाता है, और फिर महिंद्रा की बैजिंग दोबारा से, पीछे बैक कैमरा नहीं मिलता, स्टॉप लाइट एक ये रही एक ये रही, दो स्टॉप लाइट देने के पीछे का रीज़न मुझे अब तक समझ नहीं आया इसका। और ये देखिए पीछे इसमें वाइपर मिल जाता है, जो बुलेरो की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है वो ये लगती है, एकदम क्लासिक रूम के अंदर आती है गाड़ी, इसके अंदर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है और सभी गाड़ियों से अगर देखा जाए तो। स्कॉर्पियो की तुलना में मुझे इसमें ज़्यादा स्पेस दिखता है, लेकिन उससे छोटी लगती है देखने में। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों का सेम होता है, टायर देखिए चारों ही एकदम बढ़िया मिल जाते हैं, और इंडिकेटर वगैरह जितने भी हैं सब कुछ सही मिल रहे हैं। और चलिए अंदर चलते हैं, इंटीरियर पे दिखा देता हूँ गाड़ी कैसी है, आपके लिए सही है, आप परचेस कर सकते हैं। अभी तक तो भाई यही सजेस्ट करूँगा कि आप परचेस कर लीजिए इस गाड़ी को, क्योंकि प्राइस काफ़ी कम है इसका। ठीक है, रनिंग पे आ जाते हैं, अगर रनिंग की हम बात करें, चली हुई 56,000 किलोमीटर, और देखिए यहाँ वुडन फिनिशिंग के साथ में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा यूनिक तरह से फिनिशिंग के साथ में एसी वाला रूम, और उसके अंदर आपको म्यूज़िक सिस्टम सोनेलिक्स का मिल जाता है, और म्यूज़िक सिस्टम में देखिए आपको यूएसबी स्लॉट, ऑक्स स्लॉट सब कुछ आपको अवेलेबल मिल जाता है। हालांकि गाइस गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसके बाद भी मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर विदाउट एसी चलाए, और गर्मी में भाई पसीना बिल्कुल तर तर हो रखा हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ती है यार, फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते, तो गाइस प्लीज़ लाइक करके मोटिवेट किया करें यार, क्योंकि आपके लिए तो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में। सो गाइस यहाँ देखिए आपको चारों विंडोज़ पावर मिल जाती हैं, चारों विंडो पावर मिलने का मतलब है भाई एकदम अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ ऑक्स स्लॉट, यूएसबी स्लॉट सब अवेलेबल मिल रहा है, और देखिए आपको 12 वोल्ट की बैटरी का स्लॉट नहीं मिल रहा शायद इसमें, मुझे सिर्फ नहीं मिल जाता है, देखिए 12 वोल्ट की बैटरी का स्लॉट वहाँ मिल जाता है इसमें, और एसी भी मिल रहे हैं भाई, एसी आपको मिल जाते हैं, आगे ही एसी मिलते हैं, पैसेंजर साइड पर एसी नहीं मिलते, एवरेज काफ़ी सही होता है इस गाड़ी का, सिटी भी और हाईवे भी एयर आई एवले बढ़िया होता है। और देखिए स्टेयरिंग भी आपको ग्रिप के साथ में मिल जाता है, इस बिल्कुल लेदर का, प्योर लेदर की इस पर चढ़ी हुई है, देख सकते हैं आप, प्योर लेदर चढ़ा हुआ है, जिसको कहते हैं ना प्योर लेदर, वो है इसके ऊपर। और ये देखिए एक बार स्पेस देख लीजिए, स्पेस भी काफ़ी सही मिल जाता है काफ़ी ज़्यादा, और जो इसके एसी हैं चारों ही वुडन फिनिशिंग के अंदर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और अगर कंट्रोल्स की वहीं बात की जाए, कंट्रोल्स काफ़ी ज़्यादा सही मिल जाते हैं, बिल्कुल स्मूदली चलते हुए एकदम अच्छे से, और गियर भी इसका स्मूदली वर्क कर रहा है, देखिए आवाज़ नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल स्मूदली है, और चला करके देखना एक बार आप, बिल्कुल स्मूद से चल रही है, आवाज़ नहीं है बिल्कुल भी गाड़ी में अभी तक। और यहाँ देखिए छोटा मोटा स्पेस मिल जाता है सामान वगैरह कैरी करने के लिए, और ये देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल फाइबर का प्लास्टिक मिल जाता है, डार्क हार्ड वाला बॉडी टाइप एसयूवी मिल जाता है, अंदर से कार्बन फाइबर का बना हुआ है। और बात करें हम कलर टोन कॉम्बो की, तो वो आपको इसमें मिल जाना है क्रीम कलर का, पूरी ही बॉडी टाइप अंदर से क्रीम मिल जाती है आपको, जो कि एक अच्छी सी लुक में आपको निखर करके मिलता है। और देखिए फर्श पे मैट मिल जाती है डबल वाली, एक ब्लैक कलर की और एक वही क्रीम कलर की, ये जो क्रीम वाली है कंपनी की है, महिंद्रा की, लोगों के साथ में मिलती है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन मैंने चेक किए हैं, डॉक्यूमेंट इसके ऑल कम्प्लीट्स हैं। ठीक है, 2014 मॉडल है, अगर आप परचेस करना चाहते हैं 2-2.5 साल 3 साल चलेगी, जितने भी चलेगी आप परचेस कर लीजिए भाई। डीजल गाड़ियों का एनसीआर एरिया में तो भाई कर दिया इन्होंने 10 साल, और रूरल क्षेत्र में मुझे अभी पता नहीं है, और पेट्रोल का इन्होंने 15 साल कर दिया। हालांकि डीजल गाड़ियों में दम तो होता है गाइज, लेकिन तुम्हें पता है डीजल पेट्रोल इस टाइम छू रहे हैं आसमान को, लेकिन फिर भी अगर आपकी चहेती गाड़ी है तो आप परचेस कर लीजिए, किसी की मत सुनिए, क्योंकि काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। और भाई इसका अगर फाइनल प्राइस की बात की जाए, इसका फाइनल प्राइस है 4,90,000 रुपये। जी हाँ, 4,90,000 रुपये में आप इसे परचेस कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेस्ट ओवर प्राइस हो सकता है, ये बेस्ट डील आपके लिए हो सकती है अब तक की बुलेरो में 2014 तक में। सो गाइस जल्दी कीजिए, परचेस कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट डील है,
मैं ओनर का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये आपके लिए बेस्ट से बेस्ट ऑफर है। सो गाइज उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, अच्छी ना लगे डिसलाइक करना। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और घंटा बटन दबा देना, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए गाइज मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।